में नहीं है, आप तो जन सेवक हैं, लोक सेवक हैं, आपकी भी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई पीड़ित आपके पास आए तो आपसे न्याय करें। मैं पीड़ित हूँ, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दी जाए। ये मेरा घर है, मेरा घर है जनपद है, मैं यहाँ कुछ नहीं चाहता, वरना फिर जिस तरह उसे मेरी बहन को मारा मुझे भी गोली मार दी जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अगर न्याय होगा तो मेरी चुप्पी जो है हमारे लोगों को खल रही है, मेरा यहाँ रहना हमारे लोगों को ये महसूस करा रहा है कि हम हमें शांत बैठ जाना चाहिए। आपकी तो जो भी डिमांड थी, देखिए हाथरस में ऑलमोस्ट डिमांड पूरी हो गई है। हाथरस में भाई, हाथरस में जो किया गया ना रात में, मुझे बंद करके जो किया गया ना, वो मानवता के लिए कलंक है। काली रात है भारत के इतिहास में कि जिस बच्ची का रेप हुआ, अभी अभी मेडिकल रिपोर्ट पर टीवी पर चल रही है कि उसकी गले की हड्डी टूटी है, जिसके साथ इतनी दर्दनगी, उसके परिवार को उसकी उसका चेहरा नहीं देखने दिया। क्या प्रूफ है कि अगर हम पोस्टमार्टम की दोबारा मांग कर रहे थे, क्यों सबको जलाया गया, क्यों इंतजार नहीं किया गया? आप तो न्याय देने के लिए बैठे, तो न्याय के ये होते ना जिस पर परिवार संतुष्ट हो जाता। तो यहाँ वहाँ के लिए यहाँ का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं आप लोग? आप जानते हैं इस जिले में 6.5 लाख दलित रहते हैं, और मैंने जिले में ऐसे ऐसे आंदोलन किए जिसमें प्रशासन के लोग मेरे पास यहीं घर बैठ रहे हैं, एसएसपी और डीएम आके कि भैया इसको रुकवा लीजिए। आज उससे ज्यादा आक्रोश है लोगों में। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मैं यहाँ का मेरा जिला, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं यहाँ का माहौल नहीं चाहता, क्योंकि जब पब्लिक रोड पर उतरती है फिर उसकी गारंटी किसी पर नहीं होती। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मैं अगर अभी लाइव करूँगा तो आप पूरा ताकत लगाइए, मैं दो घंटे आपसे मांगता हूँ, अगर आप रोक पाए मुझे जाने से तो मैं गारंटी देता हूँ मैं काम करना बंद कर दूंगा। लेकिन अगर मैं प्यार से आपसे कह रहा हूँ कि मुझे दिल्ली जाने दीजिए, इस पे आप लोगों को मदद करनी चाहिए भाई। दिल्ली तक आप अपनी फोर्स भेजिए, मैं दिल्ली एंटर कर जाऊंगा, आप अपनी फोर्स को वापस बुला लीजिए। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? दिल्ली में जाके लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली वालों की आपकी थोड़ा ही है। हम परसों आपसे थोड़ा मांग कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस से मांग कर रहे थे कि भाई यहाँ मेडिकल करा दीजिए। लेकिन अगर इस तरह से आप बंद करके बिठाएंगे तो ये बताइए कहाँ तक ये सही है? नहीं, किसी तरह के आप बंधक नहीं है। देखिए, अगर बंधक वाली बात होती तो जितने भी लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, काफी लोग आए, और हमारा सबसे यही कि ठीक है भाई, जो मिलने जा रहा है उनसे मिलने जाने। अच्छा है, मैं भी कानून जानता हूँ, मैं वकील हूँ, मेरे घर में पुलिस बिना वारंट के नहीं घुस सकती, ठीक है, और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। ये अगर लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो इसमें मेरा समर्थन है, बिल्कुल समर्थन है, और ठीक है ना, आप भी मुझसे पूछे बिना मेरे घर में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरे घर में आए या ना आए, लेकिन आप नहीं आ सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि आप मुझे, आप हायर अथॉरिटी से बात करके मुझे प्लीज यहाँ से जाने दें। मैं इस न्याय की लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ, और उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ी जाएगी। मुझे पता है उत्तर प्रदेश प्रशासन कभी न्याय नहीं करेगा, ये गरीबों के साथ मजलूमों के साथ कभी न्याय नहीं करता है। आप भी कर्मचारी, आप वो कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। अगर मैं सरकार में होता तो आप वो करते जो मैं चाहता, और उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा। मैं जाना चाहता हूँ, मैं इसलिए चाहता हूँ आप बात करें। चंद्रशेखर सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं, आप मुझे यूपी बॉर्डर तक ले चलें, अपनी गाड़ी ले चलें, जैसे मैं दिल्ली में एंटर कर जाऊँ आप अपनी गाड़ी वापस लें, फिर दिल्ली की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। लेकिन इस तरह आप मुझे रोकेंगे, मेरी व्यक्ति की आज़ादी है, मैं कैसे वो करूँगा? मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ, मैं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमारा 2 तारीख में जो है, पूरे सब लोगों का, सारी पार्टियों का वहाँ जो है एक डेलीगेशन बैठ के निर्णय लेगा कि इस आंदोलन कैसे चलाना, मैं क्या करूँ बताइए? बिहार में चुनाव, आप कैसे मुझे रोक देंगे बताइए? बुलंदशहर में चुनाव चल रहा है, सब लोग तैयारी कर, सारी पार्टी, आप मुझे, मैं अपनी पार्टी का राष्ट्र, तो आप मुझे रोके बैठे खाए को भाई? क्या आप सरकार चुनाव हराना चाहती है? मैं ये इसलिए कर रही है सब चीजें, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुझे बिहार में जाना, मैं क्या करूँ? मुझे क्यों वो किया गया है? आप मदद कराइए, आप बात कीजिए से लिपा से। आपको अभी आया, आप यहाँ को इनके नेचर को नहीं जानते, आपकी पहली पोस्टिंग, और मैं इस सिस्टम से 18-19 साल से लड़ रहा हूँ। यहाँ पुलिस वही करती है जो सरकार कहती है। अगर पुलिस आपको अभी वो कहेगी, कहेगी चंद्रशेखर को लेके आइए, तो आपको मुझे चाहे बेवकूफ़ बना के ले जाना पड़े, आप कहेंगे कि चलिए मैं उसकी बात कर ले जा लेंगे। मैं और आप यहाँ का माहौल अच्छा चाहते हैं, आप भी यहाँ के माहौल की जिम्मेदारी लेंगे। कल मैं आया था, आपने यहाँ के बाहर के माहौल की जिम्मेदारी थोड़ी ली। अगर सहारनपुर पुलिस खड़ी तो बॉर्डर पर खड़ी थी, मैं जानता हूँ बॉर्डर के उसके टोल के इस तरफ, बॉर्डर से उधर नहीं थी। तो अपने अपने जिले की जिम्मेदारी है ना, आप अपने जिले की जिम्मेदारी से बाहर करा दीजिए बस। फिर जहाँ वो होगा, मैं कोई क्राइम करूंगा तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन अगर मेरी बहनों के साथ ये होता है, मैं चुप रुक कर, आप बता, मैं आपको और वो बताऊँ, आज इसके हाथरस के बाद बलरामपुर, फिर आजमगढ़ और बुलंदशहर, चार चार रेप की घटनाओं पर अभी पूरा बवाल मचा, और आप मुझे रोक के बैठे। चाहिए तो अपराधियों को पकड़ना कि अपराध कम हो, लोगों में डर जाए, किस बहन बेटे तो सबके हैं, वो किसकी सुरक्षित रहेगी? ये जब अपराध पे अंकुश नहीं होगा, अपराधी घोसले बढ़ेंगे, इसका शिकार, इसकी दरिंदगी का शिकार कल किसकी बहन होगी, किसी को नहीं पता। हम सब बहन बेटे हैं, लोग जो हैं अपने
सबको चाहिए कि वो मेरा सहयोग करे। अच्छा, यहाँ का माहौल बिगड़ेगा तो इसके लिए तो मैं ही हूँ ना, यहाँ तो जो लोग रहते हैं उनका उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी जितनी जितनी आपकी, तो मैं नहीं रहना चाहता यहाँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, इसमें मेरी मदद करिए। बात कीजिए, दिल्ली जाने में क्या दिक्कत है? या आप चाहते हैं मैं यहाँ लोगों को इकट्ठे करूँ, फिर 10-20 हज़ार लोगों के साथ मैं निकलूँ और आप लोग खिंचाता नहीं करें, उसको वो चाहते हैं यहाँ का माहौल वो था। मैं बिल्कुल आप बात करें, आप सुरक्षित नहीं है। हाँ, इसलिए मैं अचानक जिस प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, वहां मैं क्या सुरक्षित रहूंगा? दे सकते हैं आप तो अपनी की गारंटी नहीं, तो मेरी की तो क्या देंगे? हम भले खतरे में हो सकते हैं लेकिन आपको खतरे में नहीं देंगे। आप नहीं दे सकते हैं, पुलिस तो हत्या भी करवा देती है। अभी जेल में आज हत्या हुई एक तिहाड़ में, अभी मेरे पास मैसेज में दिखा दूंगा। और चाकू चले गए, जिस तिहाड़ में सुई नहीं जाती उसमें चाकू चले गए, मैं रह गया हूँ 2 बार तिहाड़, उसके पीड़ित परिवार 2 दिन से वो कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा आप क्या करेंगे? मेरे करोड़ लाखों जो मेरे वो है साथी, वो लोग आपको आपसे क्या वो कर देंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ना किसी को जिंदगी दे सकते हैं ना किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। अगर बचाते तो पीड़िता की बचाते थे ना, 14 दिन रही वो हॉस्पिटल, जब उसकी हालत नहीं सुधरती थी तो उसको क्यों नहीं वहां से एडमिट किया गया, हायर सेंटर क्यों नहीं रेफर किया गया, 14 दिन उसको क्यों तड़पा गया वहाँ? कुछ नहीं करेंगे आप लोग। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जोड़ के, मुझे दिल्ली जाने का अधिकार दिया जाए, वो आपका है, इसमें मैं आपकी मदद चाहता हूँ। और मैं विश्वास करके कहता हूँ, मैं एक सिंगल गाड़ी से, अगर आप अपनी गाड़ी ले जाएंगे तो मैं आपकी गाड़ी से जाऊंगा, आप मुझे दिल्ली के बॉर्डर पार करा गई पे मुझे उतार कर दूंगी, बाकी मैं अपने आप कर लूंगा अपना काम, मैं वहां से कोई टैक्सी पकड़े चले जाऊंगा, मैं वहीं रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, ये कोई कानून नहीं है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में सबको राइट्स है भाई, एक अधिकारी को भी, आपको भी इतने राइट्स हैं उतनी मुझे भी, तो जब आपको नहीं रोका जा रहा तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? उत्तर प्रदेश सुरक्षा का मामला आज ही खत्म करा देते हैं, पिछले अगले 4 घंटे में मैं दिल्ली हूँ, उत्तर प्रदेश के लोग अपना काम करें, यहाँ क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, आप उन पे फोकस करें, आप मेरे जैसे बेकार आदमी के साथ क्यों समय में खराब कर रहे हैं अपना? मैं यहाँ से जाने के जाना चाहता हूँ, आप बात करें, और अगर मुझे मजबूर किया जाएगा तो ये गलत है। मैं सुबह से जो है इसी इंतजार में कि आप लोग अपने ठोस निर्णय को लें, बस उनसे कहिए कि वो जाना चाहते हैं दिल्ली, दिल्ली में जो मैं करूंगा दिल्ली पुलिस वहां है, वो अपने आप देखेगी, बस यहां से मैं जाना चाहता हूं, और मैं इसमें कोई हंगामा नहीं चाहता हूं, मैं अपने घर के यहां हंगामा नहीं चाहता हूं, यहां लोग रहते हैं, मेरा ये मिजाज नहीं है यहां कि मैं यहां हंगामा करूं, मेरा ये मकसद भी नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलाना, उसकी मांग में दिल्ली से जाकर उठाऊंगा, वहां तमाम लोग, इसमें आप मेरी मदद करें, आप बात करें, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ कोई आंदोलन नहीं करना चाहता, मैं जो कुछ करूँगा वो दिल्ली में करूँगा, अगर मैं दिल्ली से हाथरस जाना चाहूँगा तो दिल्ली और हाथरस की जो पुलिस है वो सब लोग देखेंगे, आप मुझे वहाँ तक भेजा दीजिए जहाँ आपकी सीमा है, वहाँ आप लोग का अधिकार है, मैं घुसूँगा आप कार्रवाई कीजिए, अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, इसमें आप बात कर लीजिए, आपके पास सब लोग हैं, आप कहेंगे आपसे नहीं होगी तो मुझे बताइए, लेकिन आप जिस डेलीगेशन की अथॉरिटी से आप आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी मांग को आप जो है वो कप्तान साहब को बताएं, डीआईजी साहब को बताएं, पीएम साहब को बताएं, ठीक है? तो इस सिचुएशन में जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक नहीं, निर्णय लेने का अधिकार आपको नहीं, नहीं तो आपसे आप मेरी अभिव्यक्ति की आजादी का निर्णय नहीं ले सकते, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको कोई अधिकार नहीं, जैसे जितना टाइम लगेगा इस प्रकार, अगर आप ज्यादा वो करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ से पैदल ही चलूंगा और ये आह्वान करके चलूंगा कि लोग मेरे साथ दिल्ली चलें, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि माहौल आप खराब, मैं 20 मिनट यहाँ हूँ, 1 बज चुका है, मैं 2 बजे यहाँ से निकलूंगा, मैं आपको कह रहा हूँ, और मैं जबान देकर नहीं फिरता हूँ, ये बात आप जान लें, आप यहाँ नए हैं आपको सर नहीं पता, आप अपने किसी कर्मचारी से पूछने बता देंगे, जब मैं जबान देता हूँ तो फिर मैं करता हूँ, मैं 2 बजे यहाँ से निकलूँगा, मैं इंतजार सुबह से कर रहा हूँ कि आप लोग अपना निर्णय लें, आप अब आएँ 1/2 घंटे पहले। देखिए मेरी अभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा काम ना करें जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। मैं कानून व्यवस्था का सम्मान करता हूँ, मैं लॉयर हूँ, मुझे पता है कि कानून कहाँ वो होता है, मैं अकेला आदमी कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, 144 होगी तो भी अकेले जाने की मुझे इजाजत है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं अकेला पैदल भी जा सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत क्षमता है, मैं जब बस से जा सकता हूँ तो मैं बस से भी जा सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे भी जा सकता हूँ, और मैं इस सिस्टम से मैं रह के आया हूँ, अभी आपकी पूरी फोर्स लग के मुझे अलीगढ़ जाने से नहीं रोक सकते, मैं यहाँ से भी चला जाऊँगा, आपको कानों कान खबर नहीं होगी, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, और ये मेरे लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है, मैंने इतनी जेलें काटी मुझे पता है कैसे जाना है,
मैं चला जाऊंगा, आप लोग देखते रह जाएं, कल आपकी नौकरी पे बात आ जाएगी, ठीक है। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, आप बात कीजिए और उनसे कहिए कि ये मेरा फुल एंड फाइनल डिसीजन है, इस पर मैं कुछ सुनवाई नहीं चाहता हूँ, बहुत हो गया, मैं कल से यही हूँ, मैं रात में भी चला जाता, ये सब लोग इंसान ही सोते हैं, लोग भी ये ड्यूटी करते हैं, ये मुझसे नहीं भिड़ सकते, क्या काहे को भिड़ेंगे, मैं कोई अपराधी थोड़ा ही हूँ, तो मैं चला जाऊंगा। देखिए आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और मैं उस हैसियत से मैं आपको मतलब अनुग्रह भी कर रहा हूँ, मैं आपके से हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे यहाँ जाने की इजाजत दी जाए, आप अनुग्रह मत करें, आप अनुग्रह करें जिनसे करना है, जिनकी कहने पे आप यहाँ आए, आप उनसे अनुग्रह करें जो आपकी सीनियर अथॉरिटी है कि चंद्रशेखर जी चाहते हैं, या फिर मुझे वो दिखाएं जो रिपोर्ट है जो कहते हैं कि चंद्रशेखर इतिहास में आतंकवादी हो कहीं जाएगा तो माहौल खराब हो जाएगा, नहीं ऐसा कोई, तो बस फिर किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने वो किया हुआ मुझे बता दें आप, अगर आप सत्ता ये सत्ता का दुरुपयोग अगर हो रहा है तो ये बदल जाएगा 100% बदल जाएगा, फिर नौकरी नहीं करेंगे आप लोग, आज जो आप किसी निर्दोष को सता रहे हैं क्या फिर कल इसका इसका हिसाब नहीं होगा, अरे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, क्यों मेरी विनती नहीं मान रहे आप लोग, आपको ही उत्तर प्रदेश में नौकरी करनी है, तो फिर ऐसा ना करें ना किसी के प्रभाव में, मैं यहाँ से जाने के चाह रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, मैं अच्छा मैं पैदल निकलूंगा सड़क पे, मोटरसाइकिल निकलूं तब ठीक रहेगा, ठीक है, मैं आपकी जो भी बात है वो मैं आगे ये रखिए रखवा देता हूँ, मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन तब तक कम से कम आप शांति व्यवस्था कायम रखें, मैं तब तक है सब शांति व्यवस्था में तो बैठा हूँ, क्या शांति व्यवस्था बना रखी है तो कम से कम शांति व्यवस्था बनी रहे, यहाँ पे किसी के आने किसी के जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि हमारी एक मैं भी उसे किसी में आता हूँ सिचुएशन है, मैं अभी मैं आम आदमी मैं उसे किसी में आता, मैं तो कोई जन प्रतिनिधि भी नहीं, अगर मैं उस किसी में नहीं आता तो आप मेरी सुरक्षा में जाते वहां तक भाई, क्या मैं उस किसी को नहीं जानता हूँ, मैं भी उस किसी में आता हूँ जिसमें किसी में है सब लोग, कि आप किसी को आने जाने से नहीं रोक, मैं उसी किसी की हैसियत से जाना चाहता हूँ, मैं अपने प्रदेश से जाके दिल्ली में जो देश की राजधानी है जहाँ तमाम लोग हैं वहां जाके अपनी मांग पे अमल करवाना चाहता हूँ, उसके लिए बात करना चाहता हूँ, उसके लिए अपनी रणनीति बनाना चाहता हूँ, तो मुझे वहां जाने के अधिकार चाहिए बस, ये फिर कोर्ट पिछले एक साल से मैं हूँ यही, जब से मैंने राजनीतिक दल बनाया तब भी पिछले उस चीजों से तो वो होता है ना कि भाई आदमी क्या करेगा, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता हूँ, आपके जो राइट्स हैं वो उस पर आप काम कर सकते हैं, मेरे कुछ राइट्स हैं भाई, बात कीजिए, लोक सेवक हैं आप और मैं, इसलिए यहाँ है कि किसी गरीब को उनके साथ अन्याय नहीं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं, क्षमता की कमी नहीं है मेरे पास, ये सब लोग यही एक लाइव करूंगा तो यही अभी लोग सड़कों पर आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हर जिले मेरे पास संगठन, हम लाठी गोली से नहीं बैठते, तो बात अन्याय के खिलाफ लड़ने की होती तो हम किसी भी परवाह नहीं, आप पानी पीजिए, आप बात कीजिए, मुझे बताइए, मैं इंतजार, आप नहीं देख भी मैं आपके इंस्पेक्टर सम्मान करके यहाँ उनसे कह रहा था कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए आप अपनी सीनियर अथॉरिटी से बात करें, आप भी डिसीजन नहीं ले सकते इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और कोई मांग नहीं है, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता हूँ, ठीक है, आप तब तक शांति व्यवस्था कायम रखिए, कायम है, बाहर ना जाए, ठीक है, मेरी तरफ से शांति व्यवस्था कभी खराब नहीं होती, कायम, ठीक, और ये जो भी जैसा आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई भूल होगी तो जैसा कुछ नहीं, ठीक है, ये अच्छा है, मैं इनपुट्स जानता हूँ, मैं यहाँ नहीं था, मुझे बस्ती यहाँ लाके बंद किया गया है, कहाँ के इनपुट्स, मैं तो था ही नहीं इस जिले, मैं तो दिल्ली में था, मुझे दिल्ली जबरदस्ती लेके आए हैं आप लोग और मेरे घर पे बंद कर कह रहे कि आपके पास इनपुट्स हैं, जो आदमी दिल्ली से यहाँ आना ही नहीं चाहता उसके लिए क्या इनपुट्स हैं, ये सब बेकार, जो चीजें फैक्ट में नहीं आती उन पे काहे को हम बहस कर रहे हैं, भाई आप दिल्ली से जबरदस्ती मुझे यहाँ लेके आ रहे हो, कह रहे हो कि हम पे इनपुट्स है कि आप बाहर निकलोगे तो खराब हो जाएगा, जब मैं दिल्ली में था तो मुझे वहीं बंद रखते, यहाँ क्यों लेके आए इनपुट्स यहाँ के लिए, तो मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ यहाँ, फिर काहे के इनपुट्स, भाई जहाँ की सर्कमस्टेंसेस है जहाँ की कंडीशन है और जिस प्लेस का मामला है तो वहीं तो होती है ना, मैं तो यहाँ आने जाता हूँ जबरदस्ती लेके आए और ला के मुझे बंद कर दिया और कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो है माहौल आपके उससे बिगड़ सकता, मैं रहना नहीं चाहता, मुझे अपनी गाड़ी से ले चले, बस मुझे दिल्ली बॉर्डर यूपी बॉर्डर पार करा दे, बस खत्म हो जाती है, ठीक है, हम लोग ये बात आगे रख रहे हैं, भैया को पानी पानी पिला दो और बैटरी के लिए कोशिश दे, आप चाहे उधर सप्ताह में बात कर लें, ठीक है, आराम से बैठ कर।
2 बजे मेरे जीवन को निर्णय आपके समय। हाँ ठीक, 2 बजे बहुत समय, 2 बजे तक 50 मिनट। ठीक।